तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आ गए कॉर्नी कमाल की सोलो कॉन्करर की कॉर्नी गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। फिलहाल ये गेम प्ले थोड़ा पुराना है क्योंकि जब से मेरा कॉन्करर हुआ तब से मैं खेला भी नहीं हूँ, तो कोई गेम प्ले भी नहीं बनाया हूँ। हालांकि ऑलमोस्ट कॉन्करर टीयर का गेम प्ले ही है, क्राउन 1 या 2 का गेम प्ले कुछ होगा ऐसा। फिलहाल अच्छा खासा प्लस भी होता है इसमें। तो अभी सीन क्या था कि यहाँ पे मैं लैंड हुआ था, तो मेरे साथ एक बंदा लैंड हो जाता है, तो मेरा यही एक हॉट ड्रॉप है, एक सेकंड वाला है हॉट ड्रॉप है, वो नोवो के ब्रिज के पास है। फिलहाल देखो इस बंदे के पास AKM था, मेरे पास शॉर्ट गन था, तो मैं करता हूँ एक नेट और तुरंत ही रश कर देता हूँ। अब यहाँ तक कि मुझे पता था कि हल्का फुल्का डैमेज तो हुआ होगा, हालांकि थोड़ा सा और कुक करके फेंकना था ताकि वो किल हो जाए। फिलहाल चलो जैसे तैसे इसको निपटा दिए शॉर्ट गन से और इसकी लूट हम ले लेते। तो इस वाले गेम प्ले में भाई थोड़ा रोटेशन वगैरह भी और लास्ट का सर्वाइव जो ओपन जोन बनता है वो सब सारी चीज़ें देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले और आपका भी अच्छा सा अच्छा प्लस हो और जल्दी से कॉन्करर भी हो जाए। फिलहाल अपना तो कॉन्करर हो गया, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं रिकॉर्डर ऑन करता हूँ एंड जोन में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उतरता हूँ तो जब सब कुछ ठीक होता है तो ऑफ कर देता हूँ रिकॉर्डर ताकि स्टोरेज थोड़ा फुल ना हो। फिलहाल यहाँ पर एक रोटेशन का टाइम था, तो यहाँ पे हम रोटेशन लेंगे और जोन के अंदर देखेंगे मतलब क्या सीन बनता है अपना, कहाँ पोजीशन मिलती है। फिलहाल देख लो जोन कितना छोटा सा हो गया और एकदम सा लेट रोटेशन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा व्हीकल का चक्कर था, मिल नहीं रहा था वहाँ पे व्हीकल मेरा, पता नहीं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पॉन होता है बट इस वाले मैच में मिलता नहीं है, तो काफ़ी लेट रोटेशन लेता हूँ इसलिए सेंटर होल्ड ही नहीं कर पाता। बट देखो H2H कैसे खेलते हैं। फिलहाल के लिए अब जोन में मैं एंट्री ले रहा था और पोजीशन ढूंढ रहा था, हालांकि ओपन जोन था तो पोजीशन उतनी मिलती नहीं और जो और एक दो घर था जोन के अंदर तो उसमें जाना ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि अपना अभी फिलहाल के लिए टॉप 10 हुआ भी नहीं था, तो यहाँ पे अपना माइनस ही होता अगर हम मरते भी। तो फिलहाल देखो यहाँ पर एक सीन क्या होता है, पोजीशन कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं सोचा था कि यहाँ पे थोड़ा होल्ड करूँ बट यहाँ पे एक सीन क्या था कि यहाँ पे पैर ऑलरेडी बंदा था, तो मैं सोचता हूँ कि चलो सामने स्क्वाड हाउस चेक करते हैं, क्या पता खाली मिल जाए अपने को तो वहाँ पे होल्ड कर लेंगे, इसलिए वहाँ से जाता भी हूँ। बट वहाँ पे ऑलरेडी बंदा होता है तो वहाँ से मैं निकाल लेता हूँ गाड़ी, मैं सोचता हूँ चलो कहीं और पोजिशन देखेंगे। और जो मेरे साथ जो डासिया वाला आया था वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पर अपनी गाड़ी रोक के। फिलहाल यहाँ से मैं निकल जाता हूँ कहीं और पोजीशन के लिए और मैं थोड़ा वेट भी कर रहा था कि ये वाला जो जोन है कट जाए तो जहाँ जोन बनेगा वहाँ पे पोजीशन ले लेंगे। फिलहाल यहाँ पे सोचा था कि जो यहाँ पे रिच है गड्ढा है वहाँ पे मैं होल्ड करूँगा, बट सीन क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बंदा होता है तो मैं यहाँ पे रुक के अभी फाइट लेना चाह नहीं रहा था, तो मैं निकल जाता हूँ। अब देखो जरा डैमेज कितना होता है मुझे यहाँ पे। अब भाई अब जोन का तो वेट कर नहीं सकता था कि जोन बनेगा कहाँ, और ज़्यादा देर में ओपन में गाड़ी घुमा भी नहीं सकता था, तो मुझे एक पोजीशन लेनी थी, रोकनी थी, तो ये सामने वाला जो स्टोन है वहाँ पे मैं रोकता हूँ। अब यहाँ पे कर देता हूँ एक स्मोक क्योंकि जो यसनाया का जो मेन बिल्डिंग होता है वहाँ पर बंदे थे तो वो बंदा वहाँ से मुझे किल कर सकता था। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर पहले हेल्थ लगाता हूँ और एक करने वाला हूँ स्मोक ताकि वो बंदा मुझे मार ना पाए। अब ये वाला जोन ऑलमोस्ट बनने को था, कुछ सेकंड था, मतलब सेकंड क्या ही बोलूँ, मतलब ऑलमोस्ट बनने वाला था और जोन देख सकते हो काफ़ी छोटा और फुल ओपन है, तो अब यहाँ पे सरवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वही सब सारी चीज़ें देखते रहना बस वीडियो को एंड तक। फिलहाल के लिए जोन अपने पे बन जाता है तो यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट करता हूँ और तभी आगे के साइड पर एक बग्गी आ जाती है। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि चलो एक आधा नेट ट्राई करते, क्या पता यहाँ पे अपने को किल मिल जाए। और पता नहीं बंदा मरा क्यों नहीं, और ये जो मैं जैसा बोला था पहले जिसके लिए मैं स्मोक कर रहा था, स्मोक जैसे ही खत्म हुआ वो बंदा स्पॉट कर लेता मुझे, यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज भी दे देता है। तो फिलहाल के लिए मैं आगे के साइड स्मोक कर देता हूँ ताकि वो बंदा जो अभी बग्गी से आया वो मुझे स्पॉट करके किल ना कर दे। फिलहाल के लिए अभी हेल्थ बढ़ाने वाला हूँ और कंटिन्यू यहाँ से जो व्हीकल वगैरह थी रोटेशन के लिए जा रही थी बार बार। अब देख सकते हो मतलब पिंक क्या ही मतलब सीन मचा रहा है मेरा, मतलब ढंग से एक स्मोक तक नहीं होता है। फिलहाल के लिए मैं पूरा स्मोक कर लेता हूँ और जो आपका स्मोक वगैरह होता है ग्रेनेड स्मोक तो ये सब का प्रॉपर इस्तेमाल ऐसा ओपन जोन में ही किया करो, मतलब
कर सकते हो और भी, लेकिन ये जो स्मोक वगैरह होता है अगर ओपन जोन बनेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिलहाल के लिए सामने वाले बंदे पे मैं मॉली करने की ट्राई करता हूँ, बट सीन क्या होता है कि थोड़ा पिंग का प्रॉब्लम, मॉली करेक्ट जाता नहीं है, तो मैं ओपन में मारा जा सकता था तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं छोड़ देता हूँ। फिलहाल के लिए बग्गी आती है सामने से और पीछे वाला जो बंदा था मेरी बग्गी को एकदम डैमेज कर देता है, टायर वगैरह फोड़ देता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे तो मैं सेफ था। अब देखो यहाँ पे आने वाली एक बग्गी, इसको तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, फायर नहीं करता। तभी एक और बग्गी आ जाती है एकदम मेरे पास ही। फिलहाल इस भाई को तो हम कतई इजी हेड ही हेड बजा दिए और यहाँ पे अपने को एक और एक्स्ट्रा किल मिल गया था, टोटल 4 किल हो गए थे यहाँ पे। अब सामने वाला बंदा क्या कर रहा था कि बग्गी फोड़े जा रहा था, दोनों की बग्गी, तो यहाँ पे मेरे पास व्हीकल था नहीं, तो मैं एक स्मोक करता हूँ क्योंकि स्मोक वगैरह ख़त्म हो रहा था, 2 स्मोक बचा था, तो वहाँ पे मैं तो ग्रेनेड और स्मोक लेने वाला हूँ फिलहाल के लिए। इसके पास जितनी भी स्मोक ग्रेनेड होते हैं मैं उठा लेता हूँ क्योंकि आगे जाके काम आएगा, क्योंकि देख सकते हो जो जोन है एकदम ओपनली जोन है, तो स्मोक ही हमको बचा सकता है। फिलहाल आप भी जितना हो सके एमओ से ज़्यादा स्मोक उठाया करो ताकि अगर ओपन जोन बने तो आप इजीली सर्वाइव कर सको। फिलहाल के लिए पीछे से जो बंदा था वो मुझे कंटिन्यू मारा जा रहा था और मेरा जो स्मोक था वो भी ख़त्म होता है, तो मैं आगे के साइड एक स्मोक कर देता हूँ बग्गी वाले के पास और पीछे के साइड जो स्मोक था वहाँ पर करने वाला एक नेट। फिलहाल इस नेट से तो वो बंदा किल हो जाता है। अब सीन क्या था कि जोन बनने में, मतलब जोन स्टार्ट होने में 6-7 सेकंड था, तो मैं सोचता हूँ कि अपनी बग्गी तो ख़राब हो गई है, तो जिसको मार रहा हूँ वहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ थोड़ा सा लूटता हूँ वगैरह, लूट वूट करता हूँ, और वो जो सामने वाले बंदे थे मेरी बग्गी का टायर फोड़ने वाला थे, तो मैं सोचता हूँ कि चलो टायर फूटने से पहले यहाँ से निकल लेते और एक पोजीशन ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक ड्रॉप था, इसका कवर बनाता हूँ। और यहाँ पे लकली मतलब बच गया, मतलब कैसे बचा आई डोंट नो। फिलहाल के लिए एक पीछे के साइड स्मोक करता हूँ क्योंकि वहाँ पे पूरा ओपन था, बंदे आते पीछे के साइड से तो मुझे निपटा देते। अब जोन लकली यहीं पे बन जाता है मेरे पास। अब सामने के साइड 2 बंदे होते, पता नहीं आई थिंक टीम अप कर रहे थे दोनों बंदे क्योंकि एक साथ ही मतलब कूद फांग कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक नेट और सामने वाला बंदा भी स्पॉट कर लिया था मुझे, तो मॉली वगैरह करने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या सोचता हूँ कि मेरे पास जो स्मोक वगैरह है तो उसको अपने ऊपर, अपने व्हीकल के ऊपर जो बग्गी है उस पर स्मोक करते हो और गेट इन करके देखेंगे कि बंदे हैं कहाँ, और अगर बंदा दिख जाए तो हम उसको पेलने वाले। फिलहाल के लिए देखो स्मोक करता हूँ मैं, और आप भी ये मतलब ट्रिक अपना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप स्मोक कर दो अपने व्हीकल पर और गेट इन करके देख लो तो काफ़ी ज़्यादा व्यू मिलता है। तो गेट इन करता हूँ, बंदा एक आ जाता है रेंगते रेंगते मेरे को मारने, तो मैं जाता हूँ उस पर रस कर देता हूँ, फिलहाल इसको निपटा देते इजीली। फिर से गेट इन करके देखता हूँ क्योंकि अब जोन में कुल मिला के 3 बंदे थे, मुझे छोड़ के 2 बंदे और एक सामने के साइड था और दूसरा जो था उसका लोकेशन पता नहीं था। फिलहाल स्मोक देखता हूँ पीछे तो समझ जाता हूँ, फिलहाल देखो स्मोक मेरा ख़त्म हो गया। एक उस वाले बंदे ने सामने वाले बंदे को ओम से मारा और मुझे भी भाई स्मोक में पता नहीं कैसे ही मार दिया, तो पता नहीं इसका क्या सीन था। तो फिलहाल देखो अपना 21 का इसमें प्लस मिल गया था, तो मैं थोड़ा डेथ रिप्ले दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे बंदा मारा था, तो अब क्या ही कर सकते हैं, स्मोक में पता नहीं कैसे ही मार दिया दोनों को। फिलहाल आई होप सो ये वाला गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर जो पहली बार आता है यार चैनल को सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि करा दो बोल रहा हूँ कर दो, क्योंकि अपना 1K जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए बाय।